रखो ठीक है। आप लोग ने खाना लास्ट क्लास कब तक चला है आप लोग का? सर 8:25 तक। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा और रुक जाता है 4-5 मिनट ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं। थोड़ा सा रुकते हैं, स्कूल बंद हो गया है, सबको करना। मैंने बोला था अभी इसके पिछले वाले ग्रुप में, सुप्रीम कोर्ट बोला है ना कि दिल्ली के स्कूल बंद हो गए हैं, ठीक है कब समझे? तक के लिए पॉल्यूशन हुआ है वैसे? की वजह से हुआ, अब जब तक देखो पॉल्यूशन सही ना हो जाए, सर पूरा पॉल्यूशन दिन की वजह से हुआ। स्क्रीन पे निकल रहा है। देखते हैं, अच्छी बात है पॉल्यूशन ठीक ना हो। श्याम ऐसे मत सोचो, थोड़ा सा रुक जा बच्चे, थोड़ा सा और। किस चीज का ऑफलाइन डेंजरस है बताना जरा, किस चीज का ऑफलाइन डेंजरस है गुड बताओ इवनिंग बताओ। हाँ सर। क्या सर, क्या किस चीज का ऑफलाइन डेंजरस है? आप तो लिखा ऑफलाइन इज डेंजरस देन ऑनलाइन, इसका क्या मतलब है बताना जरा, क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा सा रुक जाते हैं ठीक है। आप लोगों ने बोला कि ऑफलाइन इज डेंजरस देन ऑनलाइन, ऐसे कुछ बोला ना। थोड़ा सा रुक जाते हैं ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुको, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर इतनी खतरनाक ठंड में स्कूल जाने से तो अच्छा है घर में बैठ के आराम से क्लास ले। पॉल्यूशन ठंड खतरनाक है सर, पोल्यूशन खतरनाक है सर, पूरा ठंड ठंड से। से अच्छी बात, मतलब ठंड से, देखो ठंड तो मानते होती है, पॉल्यूशन ना हो, देखो पॉल्यूशन से ना आपके आई में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकता है, खराश हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकती है, और आंखों में जलन होने लगती है, तो ठीक है ठंड सर कितनी पड़े पॉल्यूशन ना हो। हाँ जी अभी मैंने सर्च करा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सर पहले नंबर पे न्यू दिल्ली। नहीं, न्यू दिल्ली नहीं होगा फिलहाल, कराची बहुत ज्यादा है, कराची न्यू दिल्ली नहीं, मैंने कराची का जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है ना वो लगभग 1900 के आसपास गया है, दिल्ली का तो अभी 1000 के आसपास गया ना। पता नहीं सर, दिल्ली दिखा रहा था, मैं भी देख लेता हूँ देख लो सेकंड पे थी दिल्ली तो, पॉल्यू क्या। अच्छा सर सेकंड पे थी दिल्ली। देख लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं लाहौर, देखो अभी फिलहाल लाहौर दिखा रहा है, यस, आप लोग को भी दिख रहा होगा, सेम चीज लिखोगे तो दिल्ली कौन से पे है? दिल्ली सेकंड पे होगा, उसके बगल देखो लाहौर हो गया, ठीक पंजाब हो गया, दिल्ली, ये तीनों के तीनों आसपास ही हैं, ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों में, लाहौर पंजाब और दिल्ली, इसलिए ना लोग देखो पाकिस्तान वाले भी पंजाब को दोष दे रहे हैं और दिल्ली वाले भी पंजाब को ही बोलते हैं, पंजाब बोल रहा है भाई मैं क्या करूं बताओ, वो फंस गया, वो मतलब चारों तरफ से कमेंट मार रहे हैं ना उसको, पंजाब वाले दिल्ली वाले बोले कि पंजाब से आता है, पाकिस्तान वाले भी बोलने लगे कि पंजाब से आता है, क्योंकि पता है क्या वहां से 25-30 किलोमीटर या फिर ऐसे 40-50 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान है वहां से, तो वो लोग भी इसको ही बोलते हैं, पता नहीं पता नहीं, मैंने ये 2-3 दिन पहले का न्यूज है, तो 1 मिनट जस्ट आप लोग रुक जाओ, पानी क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा सा रुक जाओ मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग मैं स्टार्ट करता हूँ। सर आज थोड़ी जल्दी कर देना क्लास, में आंखें दर्द हो रही हैं स्क्रीन पर रखे रखे सुबह से। ऐसा क्यों?
सुबह से स्क्रीन पर ही ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा आप सुबह से क्यों ऑनलाइन चल रहा है सर? वो रूल जारी हो गया ना कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई पोजीशन की वजह से। तो आज भी आप लोग की ऑनलाइन क्लास हुई है क्या दिल्ली वाले मतलब स्कूल की? यस सर। कितने टाइम चला है आपका ऑनलाइन क्लास? 8 से 2। 8 से 2 मतलब कैसे पढ़ा रहे लोग? ऐसे गूगल मीट पे या फिर बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ है? गूगल मीट पे और जूम पे भी कराया था। जूम पे कैसे पढ़ा रहे हैं? कैसा लग रहा है आप लोग को वहाँ का? नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा। लॉकडाउन वाली फील वापस आ गई। यस सर। देखो लॉकडाउन में तो आप लोग काफी छोटे थे, 7th 8th में थे, उस टाइम तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अभी ठीक है आप लोग को जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ध्यान दो। ठीक है अभी तो फिलहाल आप लोग का कोई ज्यादा बर्डन की बात नहीं है, स्कूल में भी फिलहाल कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं है, लेकिन यह जेई का है ना तो जेई पे ज्यादा ध्यान दो, JEE पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि 11th पास हो गए फेल हो गए चल जाएगा आपका, लेकिन जेई का सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। मेरी बातें सबको समझ आई क्या? यस सर। जस्ट एक मिनट, मेरी भी आंखों में पता नहीं कैसे जलन होने लगी, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। एक मिनट आप लोग रुक जाओ सर। वैसे बस ऑनलाइन दिख रहा है कि हाँ पोल्यूशन है दिल्ली में, मेरे को फील तो कुछ नहीं हो रहा। देखो फील ऐसी बात नहीं है कि वो ये वैसे ही है। अब ये बताओ कि कोई कोई पानी खराब होता है, पानी तो पानी जैसा ही दिखता है ना सबका, खराब दिखता है ना कि अच्छा खराब है पानी? नहीं सांस लेने में कोई दिक्कत तो आ नहीं रही मेरे को। अरे जब सांस लेने में दिक्कत है कि तब आप बोलोगे सर हम तो मजबूत है दिल्ली वाले सर, हम तो इसी जीवन में पले बड़े हैं। ऐसी बात नहीं है, तो बाकी जैसे मैं भी गया था ना दिल्ली वगैरह में तो मेरे भी लंग्स वगैरह में से खराश वगैरह होने लगा था ऐसे तो, और आंखों में जलन वगैरह होने लगी थी दिवाली से 2 दिन बाद, तो मुझे लग गया कि मैं बजे तक धुंध छाई हुई थी सर। पर चलो छुट्टी होगी। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। तो देखो आज ना थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है लेक्चर नंबर 5, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनथैल्पी के बारे में। ठीक है किसके बारे में पढ़ेंगे? इनथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, बताओ। यस सर लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने? यस सर। ये वाला भी किया था, ये वाला भी किया था, ठीक है ये वाला भी किया था। किसी को इन सब में दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी इन सब में दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं थोड़ा सा बातें करता हूँ। ये बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में जो हमारा इंटरनल एनर्जी होगा वह भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप बताओ जब ये बराबर जीरो हो गया तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस इस केस में क्या होगा, जो भी हीट यह वाला क्यू है ना, जो भी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि जो भी हीट हम किसी सिस्टम को देंगे ना, वह डायरेक्टली क्या कर लेगा? पूरा का पूरा काम में लगा देगा। समझ रहे हो क्या? जो भी उसको हीट मिल रहा है वह कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है? वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? सर वैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों रहती है? देखो जब पता है क्या, जब उसके टेम्परेचर में कुछ हलचल, आप ये बताओ कि मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे बैठा हूं, अगर आप बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मेरे अंदर के मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ेंगे? यस सर दौड़ेंगे। यस सर। मैंने आपको बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिंगल एनर्जी नहीं होता है, बहुत सारे एनर्जी का क्या होता है? सम होता है। जब मेरे बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा है तो ऐसे ही खड़े खड़े रहेंगे तो क्या कुछ होगा? क्या चेंजिंग वगैरह नहीं होगा? चेंजिंग
तो इसलिए क्या हो जाता है, जब चेंजिंग ही नहीं होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। ओके सर, डन डन। अब देखो चाहे वो पता है क्या, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, मतलब चाहे अगर उस सिस्टम को जितना हीट दिए हो ना, वह पूरा हीट क्या कर दिया है, काम करने में लगा दिया है, काम करने में लगा दिया। मेरी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है बताओ, जीरो होता है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है। आप बताओ कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है। और हमने डब्ल्यू को क्या पढ़ा था, माइनस पी डेल्टा वी पढ़ा था क्या? यस सर। अब ये बताओ जब डेल्टा वी ही जीरो हो जाएगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। बोलो क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। आप ये बताओ कि डेल्टा यू बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया, किस कंडीशन में, आइसोकोरिक कंडीशन में, यानी कि जब हमारे पास डेल्टा वी जीरो हो जा रहा है तो जितना भी हीट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है बताओ, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो रहा है। और आप बताओ क्यू बराबर क्या पढ़ा था, एन सी वी डेल्टा टी पढ़ा था क्या आपने? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, कोई भी आपसे बोल देना कि हमारे पास हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ, तो उसका इंटरनल एनर्जी बताओ, बोल दे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इसी फॉर्मूले के बराबर हो जाएगी, क्यू के बराबर हो जाएगी। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आई होगी। सर हाँ जी, यहाँ पे जो वो हीट कैपेसिटी है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्यों ली गई है? क्या जो फॉर्मूला की इज इक्वल टू एन, नहीं देखो पहली बात देखो, हीट जो होता है ना हीट, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। लेकिन अगर मान लो कि एन सी डेल्टा टी, तो यह तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन मान लो कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके निकालते हैं हीट कैपेसिटी, तब क्या होगा, तभी तो होगा ही लेकिन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट करेंगे, हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं ना। अगर प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के बराबर होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ आई हैं? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, आप बताओ। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बोला जो भी स्टेट फंक्शन होता है सभी के सभी क्या होते हैं, जीरो, जीरो होते हैं। तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें जीरो हो जाएंगे। जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उस केस में भी हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, यह भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं। अब देखो ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, आप बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास डेल्टा ई बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है ना, यही है। अब ये बताओ कि जब आइसोबारिक प्रोसेस बोला है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको डेल्टा ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ई टू माइनस ई वन लिख सकते हैं? Yes, लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू क्यू माइनस टू माइनस क्यू वन पी वी टू माइनस क्यू वन। अरे जहाँ पे डेल्टा है वहीं पे होगा ना केवल, बोलो बोलो, जहाँ पे डेल्टा है केवल वहीं होगा ना। क्लियर है? अब सिंपल सी बात बताओ, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। तभी इस यह इंडिकेशन है कि प्रेशर कांस्टेंट लिया गया है। डन है क्या? अरे बताओ बातें क्लियर है मेरी? इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको ना मैं माइनस वाले टर्म को इस साइड कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए हमारे पास, सबके सब क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। ये कर सकता हूँ क्या बताओ, कर सकता हूँ ना, दूसरे साइड भेज के सबको क्या कर दिया मैंने, प्लस में कर दिया। अब ये बताओ क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन हो जाएगा प्लस पी वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। ये बताओ आप लोग, हो जाएगा ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, ये हो सकता है क्या बताओ, बताओ
यस सर हो सकता है। अब देखो जहां पे टू है ना वो उसको टू के पास कर लो ई टू प्लस पी वी टू और यहां से क्या कर लो माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा ई वन प्लस पी वी वन हो जाएगा क्या ऐसे टू पी। अब मैं बताता हूं ना जो ई प्लस पी वी है ना ई प्लस पी वी एक फॉर्मूला होता है इंथैल्पी बराबर क्या होता है ई प्लस पी वी होता है क्या होता है ई प्लस पी वी होता है या फिर E को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं चाहे E बोलो चाहे U बोलो बात बराबर हुआ। तो आप बताओ QP बराबर क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 हो जाएगा क्या क्योंकि यह जो है ना वह किसके बराबर है H के बराबर है। देखो इसको H2 बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे H1 बोल देंगे। मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास QP बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा H हो जाएगा बोलो बोलो हो जाएगा। और आप बताओ क्यूपी जो है कि हीट है क्या हम लोग हीट को क्या लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन जब भी हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा ना तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा और वह किसके बराबर होगा बताओ चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा किसके बराबर होगा बताओ सर दोबारा बताने देखो यह किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा एक बार चेंज इन इंथैल्पी हम लोग डेल्टा एच को क्या बोलते हैं इंथैल्पी बोलते हैं क्या बोलते हैं इंथैल्पी बोलते हैं। मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, फिलहाल जानो कि डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं इंथैल्पी बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं फिर से एक बार हाँ बताओ इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? इंथैल्पी का फॉर्मूला है मतलब एच बराबर होता है यू प्लस पीवी होता है क्या होता है यू प्लस पीवी होता है। क्लियर है मेरी बात? ये बातें डन है ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखना डेल्टा एच बराबर क्या होता है क्यू प्लस पीवी डन है आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंथैल्पी का आओ हम लोग देख लेते हैं इंथैल्पी का क्या मतलब होता है ध्यान से देखो मैथमेटिकली इट इज हीट कंटेंट इन द सिस्टम मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये बताओ क्यूपी बराबर क्या होता है डेल्टा एच होता है बोलो यही होता है ना अभी हमने यही निकाला ना यही निकाला तो इसका मतलब ये वही बता रहा है ना कि किसी सिस्टम के अंदर कितना हीट प्रेजेंट है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वही क्या होता है इंथैल्पी होता है वही क्या होता है इंथैल्पी होता है। आप बताओ इंथैल्पी किस केस में निकाला जाता है प्रेशर कांस्टेंट के केस में निकाला जाता है क्या? यस सर कांस्टेंट प्रेशर के केस में निकाला जाता है। क्लियर है मेरी बात है? किसी और को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है यहाँ पे पूछ सकता है मेरे से। फंजाना जो अपने अभी बताई क्या देखो मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास इंथैल्पी क्या होता है अगर मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास इसका प्रेशर आप कांस्टेंट कर दो ठीक है प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया अब जो भी इसके अंदर हीट है ना वही क्या होगा इंथैल्पी के बराबर होगा। क्या फॉर्मूले से भी वही आ रहा है कि हीट और उसको बिल्कुल तो मैं बता रहा हूँ ना जो भी ओपन सिस्टम होता है ना ओपन सिस्टम उसमें क्या होता है इंथैल्पी होता है। अब ये बताओ ओपन सिस्टम का क्या मतलब है मान लेते हैं कि हम एक ग्लास पानी ले लिए अब पानी ले लिए तो एटमॉस्फेयर में बोलो एटमॉस्फेयर में तो चारों तरफ से एक एटीएम प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से यस सर। हाँ तो आप बताओ चारों तरफ से जब एक एटीएम प्रेशर लग रहा है तो आप बताओ प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है कॉन्स्टेंट है ना सभी जगह एक ही लग रहा है ना प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो उस टाइम जितना भी हमारे बॉडी में हीट होगा वो किसके बराबर होगा चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ आएगी नहीं आई समझ आएगी नहीं आई सबको? यस सर यस सर। अब मैं फिर से बता रहा हूँ जो इंथैल्पी होता है ना उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आप बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? हम सर वहां पे सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं इंथैल्पी केवल और केवल चेंज निकाल सकते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मेरी बातें क्लियर है? अब ये बताओ कि मान लो कि क्या बोलते हैं अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि हम गिन नहीं सकते तो आप बताओ जब गिन ही नहीं सकते तो क्या उनके पैसे का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं सर नहीं निकाल सकते। लेकिन अब अगर वही वो हजार रुपए का कुछ खरीद ले तब तो हम निकाल सकते हैं ना डिफरेंस तो निकाल सकते हैं ना डिफरेंस ही तो निकालना है हजार रुपए माइनस कर दो इजीली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा लेकिन वही एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा पैसा है कि हम गिन नहीं पा रहे हैं। यस सर आगे बढ़ते हैं ठीक है।
इतना ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ये बातें क्लियर है? क्लियर सर, एक्सटेंसिव बता। यहां से मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, ध्यान से देखना। आप बताओ, आपको एक वाला फॉर्मूला पता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बोलो। ये वाला फॉर्मूला पता है। अगर मान लो आप बताओ यहाँ पे पी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, यानी कि प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। आप बताओ कि वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, हो सकता है। और ये बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर वो क्वांटिटी, अरे नंबर ऑफ मोल मान लो कि एक रिएक्शन में कम है दूसरे रिएक्शन में ज्यादा है, तो कम ज्यादा तो हो ही सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है। और आर क्या चीज है? आर जो है गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू है यानी आर हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये बताओ कि अगर हमें डेल्टा लगाना हो तो इन दोनों को पहले हम डेल्टा लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है, दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसके पहले क्या लगा दिया, हमने डेल्टा लगा दिया। और ये बताओ इन दोनों, इन तीनों में किसके पहले हम डेल्टा लगा सकते हैं? आर तो कांस्टेंट है या तो फिक्स वैल्यू। पहली बात देखो, टेम्परेचर भी ना, हम एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करेंगे, हमको टेम्परेचर का भी उल्टा सीधा नहीं करना है, हम क्या करेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करेंगे। तो आप बताओ केवल और केवल कौन चेंज होगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल, डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। ये बातें क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है। और ये वाला फॉर्मूला ना केवल और केवल किस पे अप्लाई होता है, गैसियस मॉलिक्यूल पे। जो मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में होते हैं ना, केवल और केवल किस पे अप्लाई होता है, उन्हीं पे अप्लाई होता है। आप बताओ जब गैस के फॉर्म में होंगे तो क्या हम डेल्टा एनजी लिख सकते हैं? हमने एनजी इसलिए लिखा ना ताकि उससे पता चल सके कि वह क्या है, गैस है। ये बताओ मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? सर इसमें फॉर्मूले में जो प्रेशर हो तो कांस्टेंट ही दे रखा है, तो पी डेल्टा वी नहीं कर सकते इसको? कहां पे प्रेशर कम, क्या सर एंथैल्पी का केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ देखो सिंपल सी बात, अब ये बताओ एंथैल्पी के केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारे पास यह डेल्टा एच है ना, तो सबके सब डेल्टा नहीं हो जाएगा? चलो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ध्यान से देखो। आप बताओ मैंने अभी बोला एच बराबर क्या बोला, यू प्लस पीवी बोला, बोलो। Yes, ये वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया? आप बताओ इसके पहले भी डेल्टा लगा दो तो इन दोनों के पहले भी डेल्टा आएगा? Yes, अब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्लियर हो गया? ये सर मैं वही पूछ रहा था कि डेल्टा पी डेल्टा वी बन जाता है, जैसे अगर इसको एक्सपेंड करते हैं हम तो डेल्टा पी तो नॉर्मल। देखो यहाँ पे पता है क्या, ध्यान से अभी मैंने बताया ना, आप बताओ क्या यहाँ पे दो प्रेशर नहीं है, एक प्रेशर इसके लिए है और एक मतलब ये वाला है, दिख नहीं रहा है? बताओ। ओके सर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। समझ आया क्या? कहाँ गया, समझ आ गया। तो सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास डेल्टा पीवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, डेल्टा एच बराबर क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, डेल्टा एच बराबर क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। ये मेरी बातें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। डन, अरे मत बात करो यार चैट बॉक्स में, मत बात करो, ठीक है? तो अभी ना हम क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो काफी हद तक समझ आएगा। देखो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच बराबर क्या, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब सिंपल सी बात देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, एच टू गैस है, आई टू गैस है, और यह दोनों मिला के क्या बना लिया, टू एच आई बना लिया। यह भी दोनों क्या है बताओ, गैस है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था जरा बताना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्या कुछ ऐसे ही पढ़ रखा था ना, ऐसे ही पढ़ रखा था। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा एन जी जो होता है ना, डेल्टा एन जी यह होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, और केवल किस एटम के लिए, गैसियस एटम के लिए। अगर मानो कोई सॉलिड में होगा तो उसका हम कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। कोई लिक्विड में होगा तो उसका हम कंसिडर करेंगे,
करेंगे, केवल और केवल किसका करेंगे हम लोग? गैस वाले का, केवल और केवल। माइक बंद कर लो, किसी का डिस्टर्ब हो रहा, माइक डिस्टर्ब हो रहा। हम लोग केवल और केवल किसका कंसीडर करेंगे? गैस वाले का। अब सिंपल सी बात बताओ कि डेल्टा एनजी वाला जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब ये बताओ कि हमारे पास प्रोडक्ट में कितने मोल है? टोटल दो मोल है क्या? दो। और रिएक्टेंट में कितना मोल है? एक मोल यहाँ पे और एक मोल यहाँ पे, यहाँ भी दो मोल है। आप बताओ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। तो उस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच बराबर जो हमने पढ़ा था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उस केस में जो इंथैल्पी होगा वो किसके बराबर होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा क्या? बताओ आप लोग। जब हमारे पास दोनों साइड नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाए तो उस केस में जो हमारे पास इंथैल्पी होगा वो किसके बराबर होगा? अरे इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा क्या? हाँ सर। ये बताओ मैथ और फिजिक्स में आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाता है नोट्स? आप लोग मतलब समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो या फिर कुछ ऐसे कर रहे हो? क्लास के बाद लिखते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो कि हम कुछ अगला बताते हैं। देख लो हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है, PCl5 प्लस, ऐसे कर लेते हैं, PCl5 यहाँ पे हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यह भी हमारे पास गैस है, यह भी हमारे पास गैस है, और यह भी क्या है हमारे पास, गैस है। अब सिंपल सी बात बताओ, आप ये बताओ कि अब मान लो कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा एच बराबर क्या पढ़ा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हमने पढ़ा है, बोलो पढ़ा है। सर, हाँ जी सर, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी? एक बार लोकेश सर को आप मैसेज करोगे क्या? वही पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का वही मैनेज करते हैं। एक बार सीट पे देख लेता हूँ, एक बार मैं सीट पे देख लेता हूँ। आ गया। सैटरडे को क्लास हुई थी ना आपकी? यस सर, पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग नहीं। देख लेता हूँ एक बार, आप लोकेश सर को बोलना, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो भी मैटर होगा ना वो आप लोग लोकेश सर को बोल देना, ठीक है क्या? ठीक है। अब ये बताओ कि हमने ये कर लिया, अब ये बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू इसमें क्या होगी? वही नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब ये बताओ प्रोडक्ट में कितने मोल है? एक मोल यहाँ पे है, एक मोल यहाँ पे है। प्रोडक्ट में कितना मोल है? दो मोल है। और रिएक्टेंट में कितना मोल है? एक मोल है। तो आप बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गया? वन आ गया। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस आर टी, क्योंकि एन जी की वैल्यू तो मैंने वन रख दिया। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब इस केस में बताओ इंटरनल एनर्जी बड़ा है कि इंथैल्पी बड़ा है, बताना जरा। इंटरनल एनर्जी बड़ा है कि इंथैल्पी बड़ा है? इंथैल्पी। इंथैल्पी बड़ा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है, इंथैल्पी बड़ा हो जाता है किससे? इंटरनल, इंटरनल से। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आई होंगी। सबको समझ आया क्या? बोलो बोलो, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो, अगर मान लो कि वही कुछ ऐसे हो जाता हमारे पास, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास Cl2 plus PCl3, यह भी हमारे पास गैस है, यह भी हमारे पास गैस है, और क्या बन गया हमारे पास, PCl5, यह भी हमारे पास गैस है। इस केस में बताओ डेल्टा एच और डेल्टा यू के केस में रिलेशन बताओ जरा, कौन बड़ा है? बताओ आप लोग फटाफट, बताओ सॉल्व करके कौन, बताओ फटाफट बताओ आप लोग। सर क्या बताना है, कि कौन बड़ा है, डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है? सर डेल्टा यू बड़ा है। चैट बॉक्स में बताओ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, वन और टू में, वन और टू में कौन बड़ा है, वन नंबर या टू नंबर? चैट बॉक्स में आप लोग सभी को बताओ, सभी को आप लोग चैट बॉक्स में बताओ कौन बड़ा है, वन नंबर की टू नंबर? डेल्टा यू। कौन बड़ा है, वन नंबर की टू नंबर? सर क्योंकि माइनस वन आएगा, जीरो से छोटा है तो डेल्टा यू। क्या बोल रहे हो आप? सर माइनस वन आएगा ना, और जीरो से छोटी होगी अगर नंबर ऑफ मोल,
तो सर वो डेल्टा यू बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए कि इस केस में कौन होगा, डेल्टा यू बड़ा होगा। क्लियर है क्या मेरी बात है, सबको क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, CH3 सॉरी CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यहाँ पे टू कर दो, यहाँ पे भी टू कर दो। अब यह हमारे पास गैस है, यह हमारे पास गैस है, यह हमारे पास गैस है, और यह क्या है, लिक्विड है। अब जरा बताना डेल्टा एनजी की वैल्यू बता दो आप लोग, कितनी आएगी डेल्टा एनजी की, आप लोग वैल्यू बता दो, सर जीरो। सभी को बताओ चैट बॉक्स में, आप लोग बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ कितनी आएगी। अदर बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। देखो यही आपका मेन चीज है, यही से क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप बताओ प्रोडक्ट में टोटल कितने मोल है। सर 1 मोल। 1 मोल, केवल और केवल 1 मोल है। यह लिक्विड है ना, इसको हम थोड़ी काउंट करेंगे, केवल हम गैस वालों को काउंट करेंगे ना। बताओ 1 मोल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और 1 3, कितना आएगा, -2 आएगा क्या? अरे बता दो भाई। हाँ सर। इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन, आस्क्ड बाय नेहा। बताओ बताओ नेहा को, बताओ आप ये लोग, यस नेहा। हाँ नेहा स्क्रीन आपको दिख रहा है? नो सर, मेरे को तो विजिबल नहीं हो रही है कहीं पॉल्यूशन आपकी आंखों तक तो नहीं आ गया ना? सर, इसका नेटवर्क ही डाउन है, बिजली ग्लास है। बताओ पॉल्यूशन आपकी आंखों तक तो नहीं आ गया ना? बोलो बोलो, एक बार ना आप रिकनेक्ट करो। ठीक है, ये पॉल्यूशन का नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है, हर जगह पॉल्यूशन को मत ऐड करो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अभी हमने यह फॉर्मूला निकाला था ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी पीवी, यही किया था ना हमने, बोलो यही किया था। आप बताओ, आप बताओ, अगर इस केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहली बात प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी इंथैल्पी का फॉर्मूला आएगा। ये बातें मेरी मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? आप बताओ, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी ये फॉर्मूला आएगा, जब, अरे बंद कर लो यार, जब प्रेशर कांस्टेंट आएगा तभी ये फॉर्मूला आएगा। इस केस में हमें टेम्परेचर को भी तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, मैंने आपको बोला ना टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। उस केस में क्या डेल्टा एनजी होता है, क्या बताओ? डेल्टा एनजी होता है, अच्छा होता है। अगर मान लो केवल और मान लो कि कोई भी हमारे पास आइडियल गैस है, उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। मान लो कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस केस में हमारे पास केवल और केवल डेल्टा पी वाला वो होगा ना, वी थोड़ी होगा, केवल और केवल, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना केवल, ये बताओ आप लोग। अगर केवल और केवल वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने लिख दिया और डेल्टा पी कर दिया, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है? अगर मान लो कि आपके पास ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, आप बताओ इस फॉर्मूले से आपको क्या लग रहा है, प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, बोलो। अरे दोनों को आगे लगा है तो दोनों वेरिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ? हो हो सकता है सर। सकता है। अगर मान लो कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो जो डेल्टा होगा केवल और केवल किसके पास जाएगा, प्रेशर के पास जाएगा। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो डेल्टा वाला केवल किसके किसके पास जाएगा, वॉल्यूम के पास जाएगा। अगर मान लो कि दोनों के दोनों वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, P2V2 - V1V1, समझे क्या आप लोग? अरे बोल दो, यस समझ सर। गए, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आप बताओ हम किस पे पहुंच गए, क्लास वर्क पे। किस पे पहुंच गए, क्लास वर्क पे। तो ध्यान से देखो आप, सबसे पहले तो आप लोग इसका बताओ, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन। देखो हीट ऑफ रिएक्शन को ये हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। तो आप लोग ना इसको याद कर लो, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन बता दो इस रिएक्शन के लिए, फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी 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 बताओ। इक्वेशन बोल दो, क्या बोल रहे हो आप? जो मतलब इक्वेशन है वो बोल दो वैसे। हाँ इक्वेशन देख के बताओ, इक्वेशन देख के। सर वो नेट स्लो है ना, तो स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, तो आपको इक्वेशन बोल दो।
क्यों दिख तो नहीं, दिख नहीं रही क्या इक्वेशन किसी को? पर उसका नेटवर्क सही नहीं है। अरे यार कैसे बताऊं फिर मैं, एक बार फिर से आप रीज्वाइन करना, रीज्वाइन करना आप रीज्वाइन करो एक बार। आप एक बार रीज्वाइन करो। आप एक बार रीज्वाइन करो। किसी का हुआ क्या? किसी का हुआ क्या बताओ? बिल्कुल सर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। भी बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। सर वो मल्टीप्लाई में तो बड़ी ही आ रही है। चलो करो फिर, लिख दो फिर करो। देखो यही होता है, यहीं पे प्रैक्टिस होता है, यहीं पे आपका माइंड ओपन होता है, और यहीं पे अपना कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। धनंजय मेरा फोटो बनाने वाला था। धनंजय आप हो क्या? सर आपको याद है, क्या आपको याद है सर? याद है तभी तो बोल रहा हूँ। तो सर गजनी थोड़ी ना है। क्या क्या बोल रहे हो? सर टाइम नहीं मिलता, बना देंगे। चलो बढ़िया है। कुछ और आप लोग के पास एक्स्ट्रा टैलेंट है तो मुझे भी बताओ। सर टैलेंट क्या? सारे सोचते हैं सर अच्छे वाले हैं। सर मेरे पास है। क्या चीज है बताओ? सर मैं मतलब बहुत ज्यादा सो सकती हूँ, मेरा टैलेंट है बिना थके। बिना थके बहुत ज्यादा सो सकती हूँ। डांट नहीं सुनती हो इस टैलेंट के लिए? सर सुनती हूँ, ये भी एक टैलेंट है। चलो अच्छी बात है, आपका टैलेंट नहीं चाहिए मुझे। आपका टैलेंट है, आपका टैलेंट नहीं चाहिए मुझे। और भी किसी का एक्स्ट्रा टैलेंट है? दिव्या कैंसर आ गया, देखो दिव्या कैंसर आ गया। ताली बजा दो एक बार दिव्या के लिए, फटाफट ताली बजा दो। ताली सर सही है कि नहीं ये तो बता दो। क्या क्या बोल रहे हो? आंसर सही तो होना चाहिए। सबसे पहली बात बताओ, ध्यान से देखो। अब ये बताओ हमसे क्या पूछा है? हमसे लिखा हुआ द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है? हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप बताओ हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो आप बताओ कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जितना भी हीट होगा किसके बराबर होगा? इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। होगा। अब ये बताओ कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे बताओ ना। यस सर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है ना, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है? इनथेल्पी के बराबर होता है। देख लिया, आ गया ना क्वेश्चन उल्टा सीधा। अब ये बताओ कि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, बताना जरा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टू, यही पढ़ा हमने। हमें डेल्टा एच निकालना है क्योंकि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला इंटरनल एनर्जी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? -12.28.2 किलो कैलोरी। किलो के लिए हम क्या कर देंगे? 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो। yes. कर देंगे। अब प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू जरा बताना कितना आ रहा है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो, प्रोडक्ट में कितना मोल है? 10 मोल है। यह तो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि लिक्विड में, और रिएक्टेंट में 12 मोल है, और यह भी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड में है। तो 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना।
आर का वैल्यू कैलोरी में आता है, दो आता है, ठीक है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे 298। आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। यह जिसका भी आएगा वही क्या होगा आंसर होगा, यह जिसका भी आएगा वही क्या होगा। सर डेल्टा यू कैसे निकाला दोबारा बताना, क्या क्या बोल रहे हो आप? डेल्टा यू, देखो डेल्टा यू मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, सर आपने आर को कितना रखा है? आर को मैंने 2 रखा है। पहली बात, आर की जो वैल्यू होती है ना वो 8.314 होती है, वह किसमें होती है, जूल में होती है। अगर आप उसको कैलोरी में करोगे तो आप क्या करोगे, 4.2 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, तो लगभग 1.98 के आसपास आता है। तो उसको हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या बोलो बोलो, मेरी बातें क्लियर है? यस सर। डन। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है सब कुछ, कितना आ रहा है, कितना आंसर? अरे -2 × ये क्या लिखा है, कितना आ रहा है, कितना? मैं इसका सॉल्यूशन आपको इसी में चिपका दे रहा हूँ, ठीक है सर? 1129.39 सॉल्यूशन इसी में चिपका दे रहा हूँ। दिख रहा है कि आप लोग को सॉल्यूशन? अरे बताओ भाई, सॉल्यूशन दिख रहा है क्या, सॉल्यूशन दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ चलो। क्या आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। ये वाला बताओ आप, आर क्या था? आर वहाँ पे गैस कांस्टेंट था ना, गैस कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो आप? सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी अभी गायब हो गई। एक बार आप फिर से रिज्वाइन करो ना, आपका इंटरनेट इशू आ रहा है। ओके सर, आप एक बार फिर से रिज्वाइन करना। चलो जरा एक बार इसका आंसर बताना, इसका फटाफट आप लोग बताओ, फटाफट बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ। जितना जल्दी बताओ यार अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा आप जितना जल्दी बता दोगे। बताओ बताओ फटाफट बताओ आप लोग। फटाफट बताओ, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोग को। आया क्या किसी का? किसी का आया क्या? अरे बता दो भाई, आया कि नहीं आया? आप बताओ, इस बार डेल्टा एच दिया हुआ, क्या पूछा है, डेल्टा यू पूछा है कि नहीं पूछा है, बोलो पूछा है कि नहीं पूछा है डेल्टा यू? तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, हमारे पास वही फॉर्मूला है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आरटी। अब ये बताओ, इस बार भी कैलोरी में दिया है क्या, बताओ? कैलोरी में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात, देखो
डेल्टा एच हमें क्या करना है, डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा क्या, मैंने इसको उस साइड भेज के माइनस में कर दिया। किलो कैलोरी, तो हम यहाँ पे कैलोरी लिख दे रहे हैं, माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू बताना जरा कितना आएगा, हाफ हाफ जोड़ दो और 1.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा क्या, अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आएगी ना, 1 आएगी, क्या करोगे आप लोग, 1 इंटू क्या कर लोगे आप लोग, 1 इंटू क्या करोगे, आर, आर की वैल्यू कैलोरी में 2, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ ना, 298 कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना, ऐसे दिया हुआ। आप इसको क्या कर दो ना, 11040 कर दो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका बताओ, 600 यानी कि 596। अब जो भी माइनस करोगे ना वही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी, मेरी बातें क्लियर है कि आप सबको? यस सर। डन हो जाएगा, हो जाएगा, yes, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो फटाफट इसका बता दो, फटाफट इसका बता दो आप लोग, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बस ऐसे ही बैठे हो आप लोग, इंटरेस्ट आना चाहिए आप सबको, इंटरेस्ट आना चाहिए। हमेशा 298 लेना है। नहीं देखो टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 300 होगा, देखो आप केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना जानते हो ना, 273 प्लस कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो कितना होगा, 298 होगा, और वही 27 डिग्री सेल्सियस में 278 करोगे तो कितना आएगा, 300 हो जाएगा। तो इस बार टेम्परेचर को 300 लेना है। क्या हो गया मयंक, मयंक क्या हो गया, मयंक क्या हो गया आपको, एक बार रेस्ट करो, रेस्ट बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ आप लोग इसका, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे सिंपल सी बात बताओ आप लोग, ये बताओ डेल्टा यू बराबर, सॉरी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा, बताओ होगा, आप बताओ कि डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आएगा, रिएक्शन देख के बताओ कितना आएगा सर, जीरो, जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो ये पूरा साइड में जीरो हो गया, जितना हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगा वही एंथैल्पी होगा ना, बोलो बोलो, जितना इंटरनल एनर्जी होगा वही, वंशिका बताओ भाई, वंशिका वैष्णवी दिव्या क्लियर है सबको, क्लियर है ये सबको, क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सस्ता क्वेश्चन है ये, सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ आप लोग, अरे बोल दो कोई, बोल दो सस्ता है, यस सर, हाँ सर 1.5 किलो पैक कर दो, क्या पैक कर दूं 1.5 किलो, अभी अभी जब ये पता है क्या है, कभी कभी ऐसा होता ना किसी को सस्ता बोल दो तो अपना अपने पावर में आ जाता है, दिखा दूं क्या इसकी पावर सर, अभी रहने दो, अभी रहने दूं वो अपना अभी पावर वाला, तो अभी सस्ता वाला ही बता रहा हूँ मैं, पढ़ने में अलग मजा आता है, अगर पहली बार में ही मैं कॉन्फिडेंस डाउन कर दूंगा ना तो आपको मन नहीं लगेगा, रियली बता रहा हूँ आप लोग को मन नहीं लगेगा, ठीक है डन, क्या डन, और भी चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, मजा तो आ ही रहा होगा, चलो इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ, इसका बताओ आप लोग, सर
इसका बताओ। बताओ आप लोग इसका बताओ क्या होगा। सर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करो, टाइम लो पूरा लेकिन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ सेम टेम्परेचर। चलो बताओ फटाफट बताओ आप लोग। बताओ बताओ आप लोग बताओ। आया क्या किसी का? और भी बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ क्या होगा, बाकी बच्चे बताओ क्या होगा। अरे एक मिनट रुको, स्क्रीन चली गई क्या मेरी? हाँ सर। एक मिनट, देखो अब सो रही होगी, अब बताओ। देखो दिव्या का आ गया, वैष्णवी का आ गया, बाकी बच्चे नेहा का भी आ गया। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, हमारे पास ना द हीट ऑफ कंबस्टन कहा गया, द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ अ गैसियस मीथेन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहली बात हीट ऑफ कंबस्टन बोला, तो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे क्या? बोलो बोलो, रिएक्शन लिखेंगे। यस सर। H2O। और आपको पता है कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यह लिक्विड होता है, बाकी सब क्या होते हैं, गैस होते हैं, कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। सिंपल सी बात बताओ आप लोग, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, क्या माइनस 2 आएगी क्या? यस माइनस 2 आएगी। इस केस में हमें इंथैल्पी चेंज लिखना है, तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप बताओ कि हमारे पास इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है सर? माइनस 8.5.4 × 10³। अब कर देंगे यहाँ पे हम प्लस, और डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस 2 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 ले लेंगे। बताओ इसमें कैलोरी में नहीं दिया, जूल में दिया ना, 8.314 ले लेंगे, इंटू 298 केल्विन दिया, तो 298 ले लेंगे, सेल्सियस में नहीं दिया। तो आप बताओ इन सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ नहीं जाएगा? बोलो बोलो। हाँ आप लोगों ने भी ऐसे ही किया ना, वैष्णवी नेहा बाकी बोलो बोलो। अरे ये गर्ल्स किसी को अप्रिशिएट करना, क्या क्या हुआ उसने सर? कंटिन्यू करो प्लीज। अरे मत तो यार ऐसा मत बोलो सर, ये माइनस मयंक ऐसे मत बोलो यार, अगर कोई बोल, अगर कोई बता रहा है तो आप तो भी सोचो कि हाँ कि हो रहा है। सबसे पहले मयंक ने बताया, फिर अर्षक ने बताया, फिर बाकी आदित्य ने, फिर वैष्णवी ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने इतने आप लोग यार, इतनी इतनी बातों पे ऐसे बोलोगे आप लोग आपस में? अरे सर मजाक था, ऐसे मजाक ही कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है। हमने सामने होते तो फिर क्या होता, झगड़ा कर लेते हैं, सब बहस कर लेते। अरे सब सब सीरियस नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है सर। चल अरे मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, आप लोग जानते हो ना मैं भी मजाक ही करता हूँ। हाँ सर वो तो दिख गया। चलो जरा इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग।
आप लोग जरा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप लोग बताओ, फटाफट बताते जाओ आप लोग। देखो एक दिन में ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना तो आप लोग के ऊपर से ओवर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका आंसर बताओ आप लोग। जल्दी बताओ जल्दी। सर उसी टाइप का है, अलग है ये? क्या बोल रहे हो? उसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग है? अलग टाइप का है। आप लोग मतलब इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है ना? यस सर। हाँ देखो देखो किसी का आंसर आया कि नहीं। नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया आप लोग का? चलो मैं अभी भी 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताओ। 30 सेकंड का और टाइम ले लो, लेकिन बताओ आप लोग। आप लोग खुद ही बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर नहीं आ रहा तो आप हैंड रेज कर सकते हो, सरेंडर बोल सकते हो मेरे सामने। नहीं आ रहा, ठीक है। चलो वंशिका ने आंसर कर दिया। जस्ट एक मिनट रुकना, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, उसका वो हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना। यह क्या लिखा हुआ है? एट 27 डिग्री सेल्सियस वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm कैलकुलेट डेल्टा ई एंड क्यू इन कैलोरी। कौन सा फॉर्मूला आप लोग लगाए हो जरा आप लोग बता सकते हो मुझे? पहली बात तो आइसोथर्मली दिया हुआ है तो हमारे पास जो डेल्टा ई होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है? जब डेल्टा ई जीरो हो जाएगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा क्या? यस सर। तो हम केवल और केवल क्या निकाल ले, वर्क निकाल ले तो काम चल जाएगा। yes, sir. अब ये बताओ रिवर्सिबल लिखा हुआ है तो रिवर्सिबल के केस में हमारे पास वर्क क्या होता है? माइनस 2.303 nRT log P1 by P2 होता है। मैंने बोला था कि अगर वॉल्यूम के केस में ना दिया हो तो प्रेशर के केस में भी तो एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने आप लोगों को। बोलो ललित। हाँ सर बताया था, बताया था ना मैंने। ये बताओ इस केस में लग नहीं सकता है, बताना जरा। माइनस 2.303 n की वैल्यू 1 दिया हुआ। अब ये देखो हमसे कैलोरी में पूछ रहा है तो क्या कैलोरी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2। और 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हो तो क्या हम 300 लिख सकते हैं? बिल्कुल। लॉग P1, P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। P2 की वैल्यू 10, तो 2 बाई क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. अब 2 बाई 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, 1 बाई 5 लिख सकते हैं,
या फिर 5 पे पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं। और ये माइनस लॉग के पहले आएगा तो आप बताओ इस माइनस को प्लस नहीं बना देगा, बना देगा। अब केवल और केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2.303 इंटू 600 इंटू लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0. बताओ बताओ 6 7 क्या होता है 6 7 अरे क्या होता है 9 0 ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, आपका कैलोरी में आएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? सबको क्लियर है सर? लॉग में लॉग b1 बाय b2 लेते हैं, b1 बाय b2। अब ये बताओ क्या बोल रहे हैं लॉग, देखो पहली बात लॉग v2 बाय v1 होता है, v2 बाय v1, और मैंने आपको बताया था कि p1 बाय p2 इक्वल टू v2 बाय v1 होता है, तो v2 बाय v1 की जगह हम p1 बाय p2 नहीं लिख सकते हैं। ओके सर, मैंने यही बताया था ना आप लोगों से, हो जाएगा क्या ऐसे आप लोगों से? सर डेल्टा ही कोई दिक्कत आएगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में? एक बार माइक बंद कर दो यार, जिस साइड से डिस्टर्बिंग हो रहा है माइक बंद कर लो। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत आएगी इस तरीके के क्वेश्चन करने में? नहीं सर, नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार ये जरा देखना। इसको छोड़ो, ये थोड़ा सा इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का, इसका बताओ आप। सर हाँ जी, वो डेल्टा ही जीरो क्या था? क्या डेल्टा ही जीरो था क्या? आप बताओ, आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा ई जीरो नहीं हो जाएगा? अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस डेल्टा टी जीरो नहीं हो जाएगा? और जब डेल्टा टी जीरो हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो जाता है? ओके सर, बोलो। ये इसीलिए तो मैंने आपको कई बार ये सब बता दिया, और हर हमेशा आपसे कभी ना कभी ये पूछा जा सकता है। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बताओ? किसी का नहीं आया क्या? करो करो कोशिश करो, कोशिश करो, जरूर आंसर आएगा। कोशिश करो, आंसर जरूर आएगा। क्लास कब तक चलेगी? 10 मिनट और। ठीक है सर। क्या आंसर आएगा बताओ इसका? देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लिखा हुआ? अ सैंपल ऑफ 3 मोल एन आइडियल गैस एट 200 केल्विन एंड 2 ATM इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली अंटिल द टेम्परेचर रीचेस टू 50 केल्विन। गिवन दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज 27.5 इतना एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट W। यही बोला ना हमको? आप ये बताओ कि हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U बराबर क्या है? Q प्लस W होता है, बोलो। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अब सिंपल सी आप बात बताओ कि हमारे पास एक वर्ड दे दिया, क्या दे दिया? एडियाबैटिक दे दिया। क्या दे दिया? एडियाबैटिक। अब ये बताओ एडियाबैटिक के केस में क्यू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। अब ये बताओ केवल और केवल हमें क्या निकालना है? अगर हम डेल्टा यू निकाल ले तो हमें डब्लू नहीं मिल जाएगा, बोलो।
मिल जाएगा। अब सिंपल सी एक बात बताओ कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास सी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है क्या, एन डेल्टा टी बोलो। तो हमारे पास क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी हो जाएगा बोलो। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है ना, बोलो बोलो सर। और आप बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं होता? अरे बता दो, क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो सिंपल सी बात, डाटा पुट करो, एन की वैल्यू 2-3 लिख दो, सीवी की वैल्यू यानी हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 27.5 लिख दो, और डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, पहले 200 था बाद में 250 हो गया, तो डिफरेंस कितना आएगा, 50 का ही आएगा ना, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। तो आप लोग को इस लेवल तक का सोचना है, कई फॉर्मूला को मर्ज करना है, आप लोग मिक्स नहीं कर पा रहे हो क्या फॉर्मूले को, आप लोग फॉर्मूले को मिक्स नहीं कर पा रहे हो क्या बताओ? आप लोग इन्फॉर्मेशन आती ना तो पहले अलग अलग सोचने लग जाता है माइंड कि क्या इसमें कौन सा वो लगाना है। यही देखो, यही तो कॉन्सेप्ट है, आपको यही सब सोचना है, ठीक है क्या सर? अभी प्रैक्टिस नहीं है ना इसलिए। हाँ वही बात है कि थोड़ा सा आप लोग देखो, यही प्रैक्टिस मेन चीज है, आप लोग जितना ज्यादा करोगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात है आप? मैंने आप बताओ कि मैंने जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ बस आप ही लोग को तो सॉल्व करने के लिए दिया हूँ ना, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए, जिससे आप लोग का माइंड क्या हो, स्ट्रांग हो। यस सर क्लियर है क्या? यस सर। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें, हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा सर। हाँ जी सर, आप पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे? हाँ क्यों, क्या हुआ सर? वहां से छोड़ के दिया क्या? छोड़ के दिया सर। अरे बस मुझे घर से कुछ फर्क था तो घर से रहना था, तो इसलिए मैं तो अभी आप लोगों को घर से पढ़ा रहा हूँ ना। चलो इसका आप लोग जरा बताना, इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ठीक है क्या? ठीक है बताओ बताओ। ये सर जूल के उसमें आर क्या होता, आर कितना होता है? जूल 8.314। आया क्या किसी का? सर पहले का -69.2 जूल है। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में।
बताऊं क्या मैं? देखो सिंपल सी बात, देखो क्या लिखा हुआ है। 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटीएम प्रेशर, प्रेशर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24.6 लीटर अंडरगोज द फॉलोइंग चेंजेस। अब देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हमारे पास 10 एटीएम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। हमसे पहला कंडीशन क्या बोला है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। हमें निकालना क्या है, करना क्या है हमें? अच्छा, हमें सभी स्टेप में वर्क निकालना है, ठीक है? क्या वर्क निकालना है? ये बताओ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, रिवर्सिबल दिया हुआ है ना और आइसोथर्मल दिया हुआ है, हमें वर्क निकालना है। तो आप बताओ रिवर्सिबल वाले में वर्क क्या निकालते हैं? W बराबर किसी चीज का चेंजिंग आ रहा है, वॉल्यूम का चेंजिंग आ रहा है ना, 24.6 से कहां तक चला गया, 246 तक। आप बताओ माइनस एन माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। वी टू कितना हमारे पास 246 है और वी वन कितना है 24.6 है, यही है ना? कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा या 100 आएगा? सर 10 आएगा, और फिर 10 आएगा, log 10 1 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यस सर, 1 होती है। तो -2.303 n की वैल्यू 10 हो जाएगी, r की वैल्यू 8.314 हो जाएगा, टेंपरेचर कितना दिया हुआ है 27 यानी कि 300 हो जाएगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ, आइसोथर्मल, अब इरिवर्सिबल बोल दिया है, तो इरिवर्सिबल के केस में W बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी होता है ना। इरिवर्सिबल लिखा हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो माइनस पी का वैल्यू कितना है 10 है और डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 246 माइनस 24.6। ये बातें क्लियर है सबको? बताओ भाई। यस सर क्लियर है। अब ये क्या लिखा हुआ कि आइसोकोरिक लिखा हुआ, आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी बराबर जीरो। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी होता है। जीरो हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा इस केस में। आई होप सबको सस्ता क्वेश्चन है ना ये। हाँ सर बहुत सस्ता, सस्ता क्वेश्चन है, क्लियर है क्या? महंगा तो आप लोग कर भी नहीं पाओगे। बाकी सब छोड़ दो आप लोग के लिए, Okay, बाकी सब छोड़ देता हूँ, ठीक है? बाकी सब आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्लियर है मेरी बातें सबको? क्लियर है तो एक बार रुक जाओ। काफी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगता है मेरे साथ पढ़ के? सर आप ये क्लास में सही होता है क्या? सर दिल गार्डन गार्डन मजा आता है। गार्डन गार्डन नहीं करना है। एक बार किसका माइक बंद हो रहा है, माइक बार बार ओपन हो रहा है, तो गार्डन गार्डन तो नहीं करना है, लेकिन ये बताओ कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में सही लगता है कि नहीं लगता? यस सर बोलो। न्यूमेरिकल्स वगैरह में, क्योंकि देखो मेन चीज है ना, आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बनानी है। बाकी तो थ्योरी वाला है तो आप कैसे भी करके पढ़ के कर लोगे, एक बार न्यूमेरिकल्स में अच्छा पकड़ बन गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए कि आप लोग मेरी बातों को? बताओ बताओ। यस सर बस थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। एक बार बताओ आपके ग्रुप में चला गया क्या? आपके ग्रुप में चला गया? अभी तो नहीं सर। आ गया होगा? नहीं आया। आ गया सर, आ गया। ऐसे तो मत बोलो आप लोग। अब आ गया, अभी अभी आया। अभी आ गया ना? हाँ। चलो काफी अच्छी बात है, ठीक है फिर मिले तब हम लोग अगली बार। हाँ एक बार फिर से आप मुझे सेंड करो। कर दिया क्या सेंड आपने? बताओ बताओ कर दिया क्या?
अरे बोल तो दो कुछ भी। नहीं सर कर दीजिए, एक मिनट एक मिनट। बिल्कुल आप एक मिनट मत लगाओ। सर कर दिया। कर दिया। कंपैरिजन आपका पी वी और ये मैंने आपसे बोला था नहीं पढ़ के आने के लिए, शायद मैंने आप लोगों को बताया था। चलो ये बताओ सर, एक ही ग्राफ दे रखा था उसमें पीटी का ग्राफ दे, पीवी का ग्राफ दे रखा था, पीटी का तो ड्रॉ कर लिया पर वो वीटी का हुआ नहीं। ये बताओ पीवी से पीटी कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी दिया था। ये ना सभी कोई क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा सबसे, ये आप लोग को मैं वर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो? सर कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन बताना एक बार। मैं कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। आप लोग ना इसको थोड़ा सा वो कर लेना, रोटेट कर लेना आप लोग, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक बार रुक जाओ, अरे यार रोटेट तो क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपके ग्रुप में ही भेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है सर? सभी स्क्रीन में दिखा दो, मैं भेज दूंगा। क्या बोल रहे हो सर? आप स्क्रीन में दिखा दो। मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, क्लियर है क्या? सबके लिए, मैं सबके लिए है, ठीक है? मैं आपके ग्रुप में ही सेंड कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछना मेरे से, ठीक है? और भी किसी को कुछ भी डाउट है बोलो बोलो, ठीक है? फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ठीक है सर। बाय सर।